बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार के लिए रेलवे ने एक नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। बिहार के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन का सुविधा मिलना चालू हो चुका है और अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन का भी सुविधा ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ट्रेन के बुकिंग डिटेल्स के साथ साथ इसके टाइम टेबल, रूट और स्टॉपेज के बारे में। इसके साथ ही यात्रा के दौरान इस ट्रेन में कौन सा सुविधा मिलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से गर्मी की छुट्टी में ट्रेनों में जगह नहीं मिलने की समस्या आम हो गई है और ऐसे में पैसेंजरों को एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन का सुविधा बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेगा। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए एक नई राजधानी जैसी स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाना है। यह ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 02393 के साथ चलेगी। पटना रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन रात 8:10 पर रवाना की जाएगी, जो कि प्रयागराज के रास्ते यह ट्रेन 4:30 पर गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां पर कि 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यह ट्रेन यहां से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और यह ट्रेन दोपहर में दूसरे दिन 12:10 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके अलावा डाउन में यह ट्रेन ट्रेन नंबर 02394 के साथ नई दिल्ली से दोपहर 1:20 पर रवाना की जाएगी, जो कि शाम 7:15 पर गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन आकर अगले दिन सुबह 7 बजे पटना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के रूट और स्टॉपेज के डिटेल्स की बात करें तो पटना रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन रवाना होने के बाद दानापुर रेलवे स्टेशन, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन के रास्ते गोविंदपुरी होते हुए डायरेक्ट नई दिल्ली को जाएगी। 1000 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन तय करेगी, जिसमें कि सारी तरह की सुविधाएं मौजूद रहेगा। इस ट्रेन का संचालन का सुविधा रेलवे ने कर दिया है चालू और इस ट्रेन का सुविधा पैसेंजरों को आज से मिलना चालू हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।